एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक हो गए। तो गाइज, मैं अभी क्या कहते हैं सिर वीर धो के आ चुकी हूँ, नहा ली हूँ मैं टाइम से। मैंने कहा चलो टाइम से नहा लेती हूँ, शाम को मुझे जाना भी है पूजा के साथ। और बारिश इतनी आ रही है गाइज, रुकने का नाम नहीं ले रही, बिल्कुल ऐसे आई जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रही शाम को हम कैसे जाएंगे कैसे नहीं। लेकिन अब और दिन नहीं है हमारे पास आगे का। पूजा को मैंने कहा है जैसे भी हो आज बेटा निकल चाहे बारिश में निकल चाहे छाता लेके निकलो, जैसे मर्जी निकलो पर घर से निकलो एटलीस्ट, नहीं तो हमारा गुजारा नहीं है। अगले दिन हमें दीदी के घर में एक सवा एक के करीब पहुंच जाना है, तो मेहंदी वाले आ जाएंगे, तो उस सुबह तो हम कहीं भी नहीं जा सकते गाइस। तो इसीलिए मैंने उसको कहा आज जैसे मर्जी निकल के चलते हैं। मेरे को मेन करानी है ज्वेलरी बुक करानी है, और बाकी तो एक दो काम है वो और कराती हूँ। और देखते हैं गाइस आज की करते हैं ब्लॉग की स्टार्ट। तो गाइज मैंने फेशियल जो है घर में ही कर लिया है, मेरे पास किट पड़ी थी तो मैंने घर ही कर लिया। मैंने कहा अब क्या बाहर जाने का भी टाइम नहीं है इतनी बारिश में कुछ भी, तो पहले मेरा हो नहीं पाया, सब काम लेट पे लेट होते गए सिर्फ बारिश की वजह से। तो कपड़े सारे कमरे में ऐसे फैले पड़े हैं, क्यों? क्योंकि बाहर धूप नहीं है कुछ नहीं है, तो अंदर ही जाने के कपड़े सूखेंगे भी सही। तो बस अब जाती हूँ, पहले लंच की तैयारी करती हूँ गाइज, उसके बाद करती हूँ जाने की तैयारी, और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो अभी तो फिलहाल है जो मेन काम है मेरा है लंच का। रूमा सारा काम कर गई है, बस एक लंच बनाना है और पूजा के पापा को देना है। तो गाइज इस बार मैं ना पहन रही हूँ साड़ी फंक्शन में, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे साड़ी में बहुत कम देखा है। सब कहते हैं आंटी, पीछे कमेंट्स भी आते हैं आंटी साड़ी पहनो, तो मैंने सोचा इस बारी ना मैं जो सगन पे डालती हूँ साड़ी, हमेशा मैं सूट डालती हूँ गाइज, सूट और शादी पे लहंगे, पर इस बार मेरा दिल है थोड़ा डिफरेंट करूं कि चलो थोड़ा सा कुछ अलग लुक आती है। हर बार वो ये सूट पूजा के सगन में मैंने सूट डाला था, तो मैंने सोचा इस बार सूट नहीं डालती, इस बार मैं डालती हूँ साड़ी। तो मैं साड़ी आपको जब डालूंगी ना आपको तभी पता चलेगा साड़ी का कि मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, उसी के लिए शाम को मैं बैंगल्स लेके आती हूँ, देखती हूँ वहां पर क्या मिलता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसमें क्या लिया। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, पूजा आने वाली है ये तिलक नगर में, तो बस पूजा पहुंचती है तिलक नगर में, मैं भी जाती हूँ प्रिंस वाले के पास। तो सबसे पहले करनी है ज्वेलरी बुक, उसके बाद जाएंगे रजौरी गार्डन में पूजा को नेल्स वगैरह कराने हैं, तो वो आगे भी जाएगी। तो देखती हूँ मैं उसके साथ गई नहीं तो घर वापस आ जाऊंगी, मुझे नहीं पता। मुझे फिलहाल जो पता है वो तिलक नगर तक जाना है। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस निकलती हूँ तिलक नगर के लिए। तो गाइज मैंने ये वाला भी सेट देखा है, सिल्वर मुझे चाहिए था तो सिल्वर ये मिल गया। देखती हूँ ये भी देखा है और भी देखती हूँ, जो समझ आता है तो मैं उसी में लूंगी, क्योंकि मेरे को जो ड्रेस के साथ चाहिए जो साड़ी पहन रही हूँ उसमें सिल्वर वर्क है, तो सिल्वर नेकलेस ही चाहिए। तो और भी देख रही हूँ, जो समझ आएगा तो वो ले लूंगी। तो गाइज जो यहाँ पर बैंगल्स हैं बहुत ही सुंदर है, इनमें से देखती हूँ कुछ समझ आती है तो मेरे को चाहिए, बट सिल्वर देखती हूँ कुछ समझ आती है, यहाँ तो गोल्डन है सारे। चूड़ी ना लेके ये सेट बनवाया है, एक हाथ का ये सेट है, ये देखिए एक हाथ का ये है, एक हाथ का ये है, ये रहा। तो गाइज यहाँ आप आओ, आपको अपने हिसाब से सब कुछ मिल जाएगा, बहुत अच्छी वैरायटी है। सिल्वर में चाहिए, एडी में चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये देखिए एडी में तो बहुत अच्छी कलेक्शन है भैया के पास सारी, ये देखिए। और गोल्डन में भी बहुत अच्छी है, मोटे मोटे ये कड़े हैं, तो देखो मैंने तो इन्हीं में से, पर मेरा सिल्वर है तो मैं सिल्वर वही लिया मैंने, ये देखिए गाइस ये पोल्की के कड़े हैं इनके पास। अगर किसी को पोल्की पसंद आती है तो मैंने वैसे जूम करके भी दिखा दिया आपको पूरा, ये देखिए काफ़ी डिज़ाइन है, आप आओ। और रेट भी भैया बताओ रेट का क्या, सही लगाओगे जो आएंगे है ना? चलो वो तो मेरे को दे दोगे, और सब्सक्राइबर को भी जो आते हैं तो आप उनको भी डिस्काउंट देना, अच्छा ठीक है ना? पूजा के नाम से या मेरे नाम से आते हैं, दीदी के नाम से आते हैं, तो डिस्काउंट पूरा देना ठीक। तो गाइज ये रहा इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये रहा ये देखिए, आप इनसे बात कर सकते हैं। और सारा मैंने पूरी शॉप का आपको भेज दिया एड्रेस, सब कुछ है यहाँ पर, जो भी आपको चूड़ा चाहिए कुछ भी चाहिए तो पूरा मेन मार्केट में है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर आके भैया से बात कर सकते हैं। हिंदी के आउटफिट फाइनल करने के बाद अभी हम लोग आए हैं, तो रजौरी में ही थे, तो आप लोगों को बता ही रखा था नेल्स के लिए मुझे चीना के साथ आना था, बट सारे प्लान्स जो है बहुत बहुत लेट हो गए थे बिकॉज ऑफ बारिश ने तो आज सारे प्लान्स की बैंड बजा दी। तो हमने कहा अभी 9 बज रहे गाइस, तो हमने कहा अभी मिलते हुए चलते चीना से, क्योंकि 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही चीना। कंग्रेचुलेशन आज मिले हैं, मतलब फ़ोन पर बात हो रही थी, मिल नहीं पा रहे थे उस टाइम, तो मतलब
चल रहा था कि कब डेट क्या है, जब डेट फाइनल तब पूजा को उसी टाइम कॉल आ गया। हाँ तो अब सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। नहीं शादी नहीं, अब मैं आ गई, देख बैग लेकर आ गई, अभी यहीं पे हूँ मैं अभी। कल मैंने कहा पास में बारिश करने आना जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रोज ही बारिश आ रही है। और अब मतलब मासी घर से अब बारिश भी आ रही होगी तो दिक्कत नहीं है वहाँ से आने में। हाँ वहाँ से आने में बहुत दिक्कत होती है, तभी तो राधिका भी इधर ही आ रही है सुबह। हाँ तो सही है ना, वो टाइम से कहती सुबह टाइम से आ जाएगी, उनकी रेडी वेडी होने में भी ना मुश्किल है। मैंने कब तो करवाना है, मैंने कहा सारे के सारे ट्रिम कर लेती हूँ तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तो देर हो रहा क्या। अब यही हुआ है की मुझे थोड़ा ब्राज का तो पोपट हो गया। अब कल मुझे 11 बजे मैंने बोला है 11 बजे आप ओपन कर दो, मैं 11 बजे आ जाऊंगी। नेल्स का टाइम से निकल आती ना आज तो हो जाता है, बारिश तो आप पूरा दिन आ ही रही है यार। मैं 15-20 मिनट पहले सोच रही हूं कि अगर ये 11 बजे पे आती लेट ना हो जाए मुझे कुछ करना। नहीं नहीं हो जाऊंगी फिर तो मैं, पता है यहां से तो निकलते एक बजेगा एक बजे तो घर पहुंचेगी क्या होगी, डेट पे पहुंचना है पर ऐसे हाथ में तो मेहंदी भी नहीं जचेगी। तो लगा ले खाली नेल पेंट अपना, वो अच्छी नहीं लगेगी नेल्स पे ना, वो नहीं खोल सकते ना। नहीं नहीं आ जाना, आप जा रहा ना पूजा, मैं कहती तेरा लेट ही हो जाता है। आज तो बारिश नहीं, कल भी बारिश। हाँ तभी मैंने मना किया था इसको, कल मैंने चीना मना किया था इसको कि तू अभी रहने दे कल इकट्ठा करवा लेंगे, पर आज बारिश इतनी थी पूजा। ये वाला काम ना हमें कल करना है, पर मैं इतनी पूरी गीली गीली स्विच लगाती, पूरी गीली मतलब सारे कपड़े गीले, उसके बाद दूसरे भी वहाँ पे जब बच्चे हैं तब भी गीले। नहीं मैं नहीं रुकूंगी, तूने रुकना भी नहीं है यार, मैं रुक गई ना, सब बैठी रह लूंगी। हाँ। तो पूजा अब पूजा का तो ये था चलो फिर भी हो जाएगा, पर चीना का मेन था चलो हो गया चीना का, पता था पहले तो पहले चीजें निकलेगी चल बाद में। हाँ ये आलस हो जाती है बस शादी के टाइम। नहीं 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 दो महीने पहले पूजा, तू तो बिल्कुल चुस्ती से काम करियो जितना मर्जी बोल रहे, शादी के टाइम में ना लास्ट डे तक क्योंकि हमारे साथ ही हुआ है ये चीजें ना रह जाती थी। तू जितना मर्जी काम करवाती जा टिक लगाती जा ये भी हो गया, एंड टाइम में कुछ ना कुछ रह जाता है। हाँ पूजा के साथ तो हो चुका है सब कुछ, कोई नहीं सब कल करवा दियो कोई नहीं। हाँ जो ली है ना इस बारी ये वाली ली है लाइट, इसमें आपको जो कलर दिख रहा है वो वाली साड़ी है और सिल्वर वर्क है, तो ये मैं हाफ हाफ करके डालूंगी। तो मुझे चूड़ियां नहीं लेनी थी इस बार, मैंने ये ले लिया, मैं कहा चलो इस बार थोड़ा सा ना ये बैंगल्स डालती हूँ, तो मैंने ये एडी के लिए है। और मैंने सेट भी जो लिया है ना वो सिल्वर में एडी का ही लिया है गाइस, तो दोनों मैचिंग हो जाएगी। तो और बाकी और तो कुछ भी नहीं चाहिए, एक सेट चाहिए था और मुझे चाहिए थे एक बैंगल्स, तो मैं वो ले आई हूँ। और बाकी पूजा ने जो लेना है गाइस, पूजा को भी लेना था, पूजा भी अपना सामान लेगी, ले लिया है उसने भी सामान जो सेपरेट डालना था, मैंने अपना लिया, दोनों ने अपना अपना ले लिया। तो पूजा का जो दिखेगा और जो मेरा दिखेगा आपको फंक्शन वाले दिन ही दिखेगा। ये वाला लिया है मैंने सेट, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था डाला हुआ, ये लिया है। इसके साथ है मांग टीका, तो देखती हूँ मांग टीका लगाऊं, ये तो इयररिंग्स है गाइस सॉरी, ये है मांग टीका, देखती हूँ अगर लगाया ना लगाया तो वो मेरी मर्जी है। और ये दो इसके इयररिंग्स, तो मुझे ये गाइस बहुत सुंदर लग रहा था, जो आपको वो देखा था वो दूसरा था, पर मुझे ना बाद में ये वाला पसंद आ गया जो डाला था, तो उसके बाद मैंने सोचा यही डिसीजन लिया। ये थोड़ा बड़ा बड़ा भी लग रहा था और गला भी ना भरा भरा लग रहा था, बहुत सुंदर, देखिए वर्क भी इसका बहुत सुंदर है। तो वहां ना वैरायटी बहुत अच्छी है, आप जाओ वहां पर वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है और जो मन में होता है ना वो सब वहां मिल जाता है, तो मेरी पहली जो चॉइस होती है ना वो प्रिंस के पास ही होती है। तो गाइज मैं तो मेहंदी पे आपको बताना भूल गई, मेहंदी पे जो डाल रही थी मैं वो डाल रही थी सूट, मैंने आपके सामने दिखाया था हॉट पिंक कलर का सूट, मेरा बिल्कुल फाइनल हो चुका था, ड्रेसिंग किया हुआ था, पूजा के पापा को भी बोल दिया था यही डालना है मैंने, तो मेरी बिल्कुल फाइनल था कि मैंने सूट डालना है। पर लास्ट मोमेंट पे मैं आपको बताऊं मेरी ड्रेस हो गई चेंज, और इतनी सुंदर गाइस ड्रेस आई है ना, और मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, अभी नहीं बता रही मैं क्या डालूंगी, लेकिन कल आपको कल वाले ब्लॉग में दिखेगा कि मैं क्या डाल रही हूँ। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मेरा सब कुछ चेंज हुआ है, नहीं तो मेरे को दोपहर शाम तक भी उसी सूट का था, बिल्कुल ओके था यही सूट डालना है। तो मैं पूजा के पापा को यही कह रही, मैं कहा शुक्र है ड्रेसिंग किया हुआ है, एंड टाइम पे दिक्कत नहीं आई, नहीं तो कुछ और देखते और भी ड्रेसिंग करे हुए सूट ऊपर पड़े हुए थे। बट मेरे को पसंद था गाइस, वो मैंने पूजा के सगन पे पहना था, मैं कहा चलो चीना के सगन पे भी डाल लेते हैं। तो मुझे ना एक कमेंट भी आ रहा था कि आंटी आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक सूट को डाल के एक ही बार वेस्ट नहीं होता, उसको बार बार
यूज हो जाते हैं। तो गाइज मेरा भी यही कहना है कि हम लोग देखो मिडिल क्लास फैमिली से है, हम बार बार सूट ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा लगाएं हम उसके बाद वो सोचे दोबारा कभी डालना ही नहीं है, तो वो चीज तो नहीं है हमारे सब लोगों के साथ। तो मैं भी यूज करती हूँ, तो मैंने यही सोचा था पूजा वाला डाल लूंगी, लेकिन चलो लास्ट मोमेंट पे जो मैं चाहती थी मुझे वही ड्रेस वही कलर फाइनली मिल। गाइज हमें आते आते बज गए रात के 10, क्योंकि 10 इसलिए बजे क्योंकि हम ना रजौरी चले गए थे। गाइज रजौरी गए, रजौरी में वहां टाइम लग गया, हमें कुछ कपड़े वगैरह देखने थे वहां टाइम लग गया। उसके बाद हम गए जहां पर चीना नेल एक्सटेंशन करा रही थी, पूजा ने भी वहीं जाना था। गाइज पूजा हो गई लेट, तो पूजा का तो हुआ नहीं, पूजा देखेगी अब कल कराती है कैसे कराती है मुझे भी इस चीज का नहीं पता। जैसे उसका टाइम होगा वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग करवा लेगी। तो बाकी चीना मिली, चीना के साथ बातें करी, फिर हम दोनों ने ऑटो किया, चीना आई थी स्कूटी पे। चीना तो कह रही थी कि आप लोग तीनों ही बैठ जाते हैं, मैंने कहा नहीं हमारे पास भी सामान है हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, फायदा नहीं है कुछ भी ऐसे। और सबसे बड़ी बात है थी जो इतना कीचड़ और बारिश थी ना, हमें भी डर लगता है कि बारिश में कहीं तीन बंदों के साथ परेशानी आए, उस बच्चे को भी परेशानी आए, हमें भी आई। तो हमने कहा नहीं तू अपना जा हम दोनों आ जाएंगे। तो हमने किया ऑटो और पूजा और मैं वहीं पर ही फटाफट ऑटो में बैठे और घर आए। आते ही गाइज हमें समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या बनाए, क्योंकि मुझे इतना लेट का आइडिया नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, पूजा मैंने मिलके फटाफट बनाए आलू प्याज के चावल, आलू प्याज के चावल बनाए और उसके बाद सबने फटाफट अपना खा पी के सब फ्री हो चुके हैं हम लोग अपना। और थकावट भी बहुत हो रही थी गाइज, निकलो ना, एक तो बारिश की किचकिच से इतनी थकावट होती है। तो बस अब करते हैं सोने की तैयारी। तो और बाकी कल सुबह तो आपको पता ही है कि उठना है टाइम से जाना है, तो वहां के आपको ब्लॉग्स अच्छे अच्छे दिखेंगे, सब कुछ आपको दिख पूरी। मैं आप कोशिश करूंगी जितनी से ज्यादा वीडियो कर सकूं। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।